दोस्तों इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि फवारी में इंटरनेशनल बेनिफिशरी कैसे ऐड करें। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे ऐड किया था। पहले अपना ऐप्स खोलकर नीचे बाएं तरफ मेनू दिया है, मेनू पर टच करिए। मेनू पर टच करने के बाद फिर फवारी पर आ जाइए। फवारी पर टच करने के बाद नीचे दिया ऐड न्यू बेनिफिशरी पर उस पर टच करिए। इस पर टच करने के बाद ट्रांसफ़र वीआर प्लीज सेलेक्ट, इस पर ओके करिए। ओके करने के बाद नीचे आ जाइए डायरेक्ट बैंक, हमको बैंक में पैसा भेजना है, बैंक वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे लिखा है देखो बेनिफिशरी इन्फॉर्मेशन, तो अपना कंट्री सेलेक्ट करिए, यहाँ लिख दीजिए इंडिया, तुरंत लिखा आ जाएगा। फिर उसको ओके कर दीजिए। फिर बोल रहा है ट्रांसफ़र वीआर प्लीज़ सेलेक्ट, इसको टच करिए। इस टच करने के बाद फिर इंडस इन बैंक पर टच करिए। उसके बाद फिर नीचे है करेंसी, करेंसी पर टच करिए। उसके बाद इंडियन रुपीस ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर डिलीवरी ऑप्शन, इसके टच करिए, इस पर लिख दीजिए थर्ड पार्टी बैंक डिपॉजिट, ओके यहाँ कर दीजिए। फिर ये पूछ रहा है बेनिफिशरी बैंक, यहाँ ओके करिए। कौन सा बैंक है वो बैंक यहाँ अपना टच कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, तुरंत आ जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर टच कर दीजिए। टच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप को ओके करिए। फिर पूछ रहा है जिस आदमी का बैंक ऐड करना है बैंक अकाउंट, उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर फैमिली फर्स्ट नाम लिख दीजिए। उसके बाद मिडिल नाम मांग रहा है, फिर लास्ट नाम मांग रहा है, तो लास्ट नाम ओके कर दीजिए। जहाँ जहाँ स्टार भरना है उसी को भरना है। इसके बाद यहाँ लास्ट नाम लिखिए, फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। फिर ये पूछ रहा है नेशनलिटी, नेशनलिटी पर टिच करिए, यहाँ इंडिया पर लिख के सर्च करिए, फिर ओके कर दीजिए। फिर ये पूछ रहा है बेनिफिशरी ब्रांच नेम, उसके बाद बेनिफिशरी ब्रांच कोड पूछ रहा है, तो इसमें टच करिए। टच करने के बाद यहाँ फिर देखिए ब्रांच कहाँ लिख रहा है, आपका ब्रांच कहाँ है यूपी में, तो वो भी अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। यहाँ पूछ रहा है ब्रांक बेनिफिशरी का बैंक आईएफएससी कोड, तो यहाँ आईएफएससी कोड लिख दीजिए। फिर उसके बाद बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्रोसेस पर टिक कर दीजिए।
प्रोसेप्ट ठीक करने के बाद एक बार फिर जो अपना कुछ मिला लीजिए, मिलाने के बाद फिर कन्फर्म पर ओके कर दीजिए। कन्फर्म ओके करने के बाद देखो ये एक्टिवेशन कोड मांग रहा है, तो ये बैंक की तरफ से फ़ोन आएगा, वो कोड आपको बताएगा, वो फ़ोन करेगा, आपको रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद एक दाब देना तो कोड बोलेगा। देखो फ़ोन आ गया। देखो इसी तरह ऐड होता है, ये बोल रहा पहले से तुम्हारा बैंक अकाउंट ऐड है, इसी तरह ऐड होता है, ये बोल रहा पहले से तुम्हारा अकाउंट इसमें ऐड है, तो इसी तरह ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भाई।